तो गाइस ये रहा हमारा न्यू इवेंट गेदर द लाइट। इसके अंदर आपको बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, उसी में से एक आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा। चार पेट है, चार पेट आपको नहीं मिलेंगे, इसमें से एक आपको चूज कर रहे हैं। अब दिक्कत वाली बात यही कि इसमें से कौन सा पेट लेना चाहिए, कौन सा पेट बेस्ट है, वही बताने वाला हूं आपको इस छोटी सी वीडियो पर। तो देर नहीं करते, फटाक से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस फर्स्ट नंबर पर हमारा पांडा, तो पांडा की स्किल मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट गेम के अंदर जाकर। तो यहाँ पर मैंने पांडा ले लिया है, अभी देखो मेरा एचपी कम है, अब मैं यहाँ पर एक किल करने वाला हूँ, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखना। तो यहाँ पर मैंने एक किल कर लिया है और यहाँ पर मेरा देखो एचपी बढ़ा, 10 एचपी बढ़ा। उसके बाद अगर मैं सेकंड बंदे को भी मारूंगा तब भी मेरा 10 एचपी बढ़ेगा, देखो फिर से 10 एचपी बढ़ गया। तो इसी तरीके से आप लोग जितने किल करोगे उतना आपका 10 एचपी बढ़ता जाएगा। तो ये थी हमारी पांडा की स्किल। अब सेकंड नंबर पर आता है ये चूहे से शकल का एक पेट है जो कि खरगोश है, लगता चूहा है। तो इसकी भी एबिलिटी मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। तो जो हमारे ये एजेंट होप नाम का पेट है, इसकी एबिलिटी सिंपल है, गेम में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक जोन श्रिंक होगा तो आपका यहाँ पर ईपी बढ़ेगा, 50 ईपी बढ़ेगा, एचपी नहीं ईपी बढ़ेगा। और ईपी आप समझ सकते हो गाइस मशरूम वगैरह से फुली रहता है आजकल, तो इतना ज़्यादा खास पेट नहीं है पांडा के मुकाबले। तो ये वाला पेट मुझे खास पसंद नहीं आया, पर आगे वाले पेट देखते हैं शायद इससे अच्छा हो, पांडा से अच्छा हो। तो ये तो फिलहाल रिजेक्ट है मेरी तरफ से। थर्ड नंबर पर आता है ये हमारा शार्क फिश। तो चलो इस वाले पेट की भी एबिलिटी देख लेते हैं, इसका नाम है फिन और इसकी एबिलिटी कुछ अलग है। इसकी एबिलिटी ये है कि अगर आप किसी बंदे को नॉक करते हो या फिर उसको एलिमिनेट कर देते हो, मतलब उसका किल कर लेते हो, तो अगर आप 20 मीटर के एरिया में उसके पास, तो ये आपकी 4% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देगा 2 सेकंड के लिए। और इसका कूल डाउन टाइम यहाँ पर देख सकते हो 90 सेकंड है। तो बस आपकी 4% आपकी और आपके फ्रेंड की भी बढ़ाएगा अगर आप 20 मीटर के एरिया में हो एनिमी के पास। तो मुझे पर्सनली बताऊँ मुझे खास इसकी भी एबिलिटी नहीं लगी पांडा के सामने, बाकी आप लोगों का ऊपर है अच्छी लगती या फिर नहीं। बाकी अब लास्ट में बचता ही हमारा गिलहरी वाला पेट ओटेरो, इसकी एबिलिटी यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एचपी कम करा, अब मैं यहाँ पर मेडकिट लगाऊंगा, तो मेडकिट लगाने के बाद क्या होने वाला है वो आप लोग देखना। मेडकिट लगाया, यहाँ पर मेरा एचपी बढ़ गया। अब कितना एचपी बढ़ेगा, 65% एचपी ईपी आपका बढ़ जाएगा अगर आप लोग मेडकिट लगाते हो या फिर कोई आपको ट्रीटमेंट गन से मारता है, तो आपका साथ में ईपी भी बढ़ जाएगा 65%। तो चारों पेट की एबिलिटी बता दी मैंने आपको, समझ में भी आ गई होगी। मैं अपना पर्सनली बताऊँ पांडा बेस्ट लगा मुझे, अगर आपके पास पांडा नहीं है तो पांडा ले लेना, बाकी आपकी मर्जी जो भी ले सकते हो, मैंने चारों पेट की एबिलिटी बता दी। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते किसी और वीडियो पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।